अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर अफगानी पुलिस दिखेगी। ये फैसला तालिबानी हुकूमत ने लिया है। तालिबानी शासन ने यह तय किया कि राजधानी की सुरक्षा में एक बार फिर से वर्दी वाली अफगान पुलिस को तैनात किया जाएगा, जबकि तालिबानी फोर्स को दूसरे प्रांतों में भेजा जाएगा। ये अफगान पुलिस वही होगी जो अशरफ गनी की सरकार के समय सुरक्षा दे रही थी। तालिबानी हुकूमत ने यह भी तय किया है कि अफगान पुलिस और तालिबान फोर्स दोनों की वर्दी एक जैसी ही होगी। तालिबान के सांस्कृतिक कमीशन के सदस्य अनामुल्ला समनगनी ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। समनगनी ने बताया कि मौजूदा तालिबानी फोर्स जिसके पास वर्दी नहीं है उसे काबुल से हटाकर प्रांतों में मिलिट्री पोस्ट और पुलिस हेडक्वार्टर्स में भेजा जाएगा और पुलिस और वर्दी वाली सेना के हाथों में काबुल की सुरक्षा होगी। हालांकि अभी इस बात को तय नहीं किया गया है कि काबुल में कितनी पुलिस और कितनी सेना तैनात की जाएगी। दरअसल तालिबान के आतंक से तंग आई काबुल की जनता भी यही चाहती है कि शहर की सुरक्षा वर्दी वाली फौजों के हाथ में हो, ताकि खुद को तालिबान बताकर अपराध करने वाले बंदूकधारियों को रोका जा सके। अफगानी लोगों का कहना है कि लोगों को वर्दी वाली पुलिस की आदत है और उनके होने पर लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। हाल के दिनों में काबुल की सड़कों पर तालिबानी लड़ाकों के आतंक की कई तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे में एक बार फिर अफगानी पुलिस को काबुल की सुरक्षा की कमान मिलने से आम लोग थोड़ी राहत जरूर महसूस करेंगे। हालांकि बदले निजाम में अफगानी पुलिस का रवैया कैसा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।